सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण बहाली को लेकर के छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। इसी कड़ी में आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भी चक्का जाम कर आर्थिक नाकेबंदी कर आंदोलन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। आज सरगुजा जिले में अंबिकापुर में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने दोपहर 1 बजे से ही रैली निकालकर शहर के गांधी चौक पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने 58% आदिवासी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद में आदिवासी समाज नाराज है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में अनुसूचित जनजातीय वर्ग को मिलने वाला आरक्षण 32% से घटकर वापस 20% पर आ गया है। इसलिए आदिवासी समाज इसे लेकर गुस्से में है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा आरक्षण यथावत रखने की मांग करते हुए चक्का जाम किया गया। इस दौरान क्षेत्र के आदिवासी वर्ग में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पर हम आपको बता दें कि इस आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भी आरक्षण के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम भी इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। किस प्रकार का ये आंदोलन चल रहा है, क्या मांगे हैं? सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज आर्थिक नाकाबंदी और चक्का जाम का घोषणा योजना प्रस्तावित थी, उसको लेकर आज उनके द्वारा यहां पर गांधी चौक में इकट्ठा हुए हैं। और इस बीच जो आरएसएस है उनका भी पथ संचालन आज होना है, उसको लेकर रूट निर्धारित किया गया है, जिस पर उस रूट से उनके द्वारा पीजी कॉलेज ग्राउंड जो है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इसमें लगाई गई है और किसी को कोई तकलीफ ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कितने देर का ये जाम है, कितने देर में क्लियर होगा, कितने देर का जाम? अभी बातचीत चल रही है, जाम जल्द से जल्द हटाने के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्दी जाम हट जाए। आंदोलन थे उसके बारे में क्या कहते? आदिवासी लोगों का प्रदर्शन काफी संख्या में था आज, 32% आरक्षण की मांग तो बोल रहे हैं 32% आरक्षण मिलना चाहिए। कौन बोल रहा है नहीं मिलना चाहिए? हम इसके प्रबल समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब अक्टूबर में हाईकोर्ट का फैसला आया तो हमने राज्यपाल को जाकर के ज्ञापन दिया, मार्च किया। हम तो इस बात के प्रबल समर्थक हैं कि हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों को 32% आरक्षण पहले के भांति मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। आरक्षण को लेकर जो भर्ती है वो भी रुक गई है सर। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धन सिंह ध्रुवे है, मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ। गाड़ी पार्क कर रहा बीच में रैली में भाई। इस प्रकार का आप लोग आंदोलन क्या मांगे हैं? आंदोलन है कि 19 सितंबर को जो राज्य सरकार ने 12% आरक्षण घटा दिया उसके विरुद्ध में आंदोलन है, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 32% है छत्तीसगढ़ में। हमें 32% आरक्षण मिला हुआ था पहले से, लेकिन वर्तमान की सरकार ने घटा दिया, उसके विरुद्ध में है। और यह आंदोलन बहुत आगे तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग जाएंगे। और जब तक आरक्षण 32% नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन गांव-गांव, शहर-शहर और पूरा राजधानी को बंद करेंगे, सरकार चलने नहीं देंगे और आने वाले समय में ये सरकार नहीं रह जाएगी। सरकार के खिलाफ है आप? बिल्कुल, हम केंद्र सरकार के खिलाफ में भी हैं, राज्य सरकार के खिलाफ में भी हैं, क्योंकि दोनों की मिली जुली साजिश है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा करके राज्य सरकार को अच्छे वकील लगा करके बचाना चाहिए था, सरकार ने वैसा काम नहीं किया। अभी भी विधानसभा में प्रस्ताव लाना चाहिए तो वो काम नहीं किया। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश ला करके डायरेक्ट 32% आरक्षण लागू कर सकती है, सरकार ये काम नहीं कर रही है। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण है 69%, आपके बगल में झारखंड में 77% आरक्षण हो गया, 77% आरक्षण हो गया, उसमें सरकार से सबक लेना चाहिए, झारखंड सरकार से। और ये पांचवें अनुसूचित क्षेत्र है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का पद 100% आदिवासियों से भरा जाना चाहिए, संविधान में प्रावधान है। आज हम लोग अपने सर्व आदिवासी समाज के द्वारा हमारे जो 32% आरक्षण को घटा के 20% कर दिया गया है, इसी के चलते आज पूरे संभाग के लोग हम लोग आज यहाँ एकत्रित होकर चक्का जाम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमको जल्द से जल्द हमारा 32% आरक्षण हमको मिले। इस और अगर यह नहीं मिलता है तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई हम लोग का अभी प्रदेश स्तर से राष्ट्र स्तर तक जाएगी। जब तक हमारा आरक्षण हमको नहीं मिलेगा हम लोग नहीं रुकने वाले हैं और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण, क्या चुनाव में क्या प्रभाव करेगा? चुनाव में यह बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो सभी राजनीतिक पार्टी ये जान लें कि हम एक तरफा अपना विधायक तैयार करेंगे और
हो सकता है हम वोट का बहिष्कार भी करेंगे चुनाव का। कहां-कहां से लोग आए आज? आज हमारे यहां सरगुजा संभाग के पूरे जगह से लोग आए हुए हैं और आ ही रहे हैं, क्योंकि दूरी के चलते यहां पर नहीं इकट्ठा हो पाया है। हमारा टारगेट अभी लगभग 50,000 का है। कई लोग रास्ते में है, कहीं पुलिस भी रोक रही है, ये भी चल रहा है। और आगे क्या करेंगे? अभी हमारा आगे केवल आज चक्का जाम और प्रदर्शन ही है, और आगे ज्ञापन देके और आगे के लिए हम अभी रायपुर के भी तैयारी में हैं।